अब क्लास के एंड में, ठीक है, अभी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए, जो भी डाउट होगा आप क्लास के एंड में पूछ लेना, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में आपको बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए गए थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी किसी भी भिन्नों को गुना कैसे करते हो। अब इसको हमने दो टाइप में पढ़ा था, मतलब अगर हमारे पास एक पूर्ण संख्या को गुना करना हो एक भिन्न से तो कैसे करेंगे, या एक भिन्न को दूसरे भिन्न से गुना करना हो तो कैसे करेंगे। मैं दोनों ही उदाहरण से समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, 5 को मल्टीप्लाई करना हो आपको 3/7 से, तो आप क्या करोगे, 5 को लिखोगे 5/1, ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना कर दोगे, आप बोलोगे सर अंश को अंश से गुना करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे 5 × 3। नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना करोगे तो यहाँ पर लिखोगे 1 × 7, है ना। लास्ट क्लास में मैंने कई बार देखा कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, यहाँ पर गुना के जगह पर जोड़ कर दे रहे थे, तो ऐड मत करना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। गुना करने के लिए बोला जा रहा था, मल्टीप्लीकेशन बोला जा रहा था, तो ऊपर में गुना करेंगे नीचे में भी गुना करेंगे। तो 5 को 3 से गुना करोगे यहाँ पर 15 मिलेगा, 7 को 3 से गुना करोगे यहाँ पर 7 मिलेगा, सॉरी 7 को 1 से गुना करेंगे 7 मिलेगा, तो आंसर 15/7 आएगा। कुछ भी कैंसिल होता तो कैंसिल करते, यहाँ पर आपको पता है किसी के अंश को किसी के हर से गुना करके कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही हमारा आंसर होगा। यही अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता कि 5/7 को आप गुना करके बताओ 21/, और यहाँ पर मिल गया 20, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे किसी भी भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर या उसी के हर से कैंसिल कर सकते हैं, होना चाहिए एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, तो आप 5 से काटोगे 20 को, 5 एकम 5, 5 चौके 20, आप देखो दिख रहा है कि 5 ऊपर में है 20 नीचे में है, उसके बाद मुझे दिख रहा है 7 नीचे में है और 21 ऊपर में है, तो एक हर में है एक अंश में है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 7 एकम 7, 7 21, तो यहां से अब मुझे दिख रहा है ऊपर में 2 नंबर दिख रहा है, 1 और 3, तो 1 को 3 से गुना कर दो, ये बट्टा बट्टा, तो यहाँ पर मैं बट्टा लगा देता हूँ बड़ा सा। अब नीचे में 1 और 4 दिख रहा है, तो नीचे में 1 को गुना कर दो 4 के साथ, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 3/4। तो ये समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग गुना करते हैं, इतना क्लियर है तो जल्दी से यस लिख के बताइए, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर बोला जा रहा है 9 की मल्टीप्लाई कीजिए आप 3/2 से, ठीक है, 9 × 3/2, बहुत ही आसान है। पोल मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो मैं कैमरा ऑन करने के लिए नहीं बोल रहा, खुद से ट्राई करो आप, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। आपको पता है 9 अगर लिखा हुआ है सर, एक पूर्ण संख्या अगर है यहाँ पर, ठीक है, तो 9 अगर लिखा हुआ है तो 9 के नीचे 1 प्रेजेंट है, आप लिख सकते हो 9 को 9/1। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी आपको कैंसिल होता हुआ नहीं दिखेगा, तो आप ऊपर से ऊपर गुना कर दो नीचे से नीचे गुना कर दो, देखो क्या आंसर आएगा। अब तो काफी आसान हो गया, ऊपर से ऊपर गुना कीजिए नीचे से नीचे गुना कीजिए। सर अभी कैमरा, चलिए कैमरा ऑन करके दिखाई रहे हो, मैं देख ले रहा हूँ, चलिए थोड़ा सा आप पास ले जाओ कैमरा को, ठीक है, सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप कैमरा ऑन करके दिखाइए, आप सीधे आंसर कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। मोनू का आंसर सही है, अमन का भी आंसर सही है। अच्छा, मैं काफी बच्चों का देख रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चे हैं, नाम नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं जिसका लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन गलत थे, ये वाला सही है, ठीक है, तो अच्छी बात है कि आपने सर क्लास घर पे प्रैक्टिस किया। हाँ शुभम, थोड़ा सा पास ले जाओ आप कैमरा को, अभी दिख नहीं रहा आप क्या लिखे हो। चलिए, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। हाँ आपका सही है शुभम, आपका सही है। हाँ मोनू बताइए। इसका अवंती का टेस्ट भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल टेस्ट होगा, और ये सारे डाउट आप क्लास के एंड में पूछ लेना कि टेस्ट कब होगा कैसे होगा, ये सारी चीज बता दी जाएगी।
ये सारी चीज क्लास के बीच में नहीं पूछना है, क्लास के एंड में पूछना है, ठीक है। मोहित का आंसर सही है, अशोक यानी रोहिणी का आंसर। अच्छा रोहिणी आपने कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ किया है, फिर से आप ट्राई करो सही करने की। चलिए अभी कोई भी नहीं दिखाएगा कैमरा ऑन करके, लास्ट 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड। ऐसे जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, मुझे दिख रहा है 2 बच्चों के आंसर गलत आए हैं, ठीक है ऐसे होना नहीं चाहिए गलत। 5 सेकंड और, जल्दी से अब आंसर करो। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझ लेते हैं। अच्छा कैमरा सब, सॉरी माइक सभी लोग बंद रखा करें, ठीक है। आप माइक ऑन करोगे तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या क्या लिखा गया, ये सारी चीजें मैं तो मैं जल्दी से मिटा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में दिया गया था 9 को 3/2 से गुना करना है। आप बोलोगे सर 9 अगर लिखा गया तो 9/1 तो लिख ही सकते हैं, सभी नंबर के नीचे में एक रहता है। अब ऊपर से ऊपर गुना कर दो क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। तो 9 को 3 से गुना कर दो, नीचे में 2 को 1 से गुना कर दो, तो 1 × 2 लिख दिया। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 9 × 3 = 27, और 2 को 1 से गुना करोगे तो 2, तो 27/2 आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बताइए ये क्लियर हुआ सभी का, बताइए। यस सर। रोहिणी आप बताओ आपको समझ में आ गया, आपका कुछ तो आंसर गलत आ रहा था, अब समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। चलिए ठीक है, कॉपी दिखाने से ये फायदा होगा, कुछ भी गलती होगी तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। 27/2 हमारा सही उत्तर है। तो ये तो बहुत ही आसान था, अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। हमें आज क्या पढ़ना है, डिवीजन करना है, ठीक है। किसका डिवीजन करेंगे, भिन्नों का, फ्रैक्शन का डिवीजन सीखते हैं। तो डिवीजन करने के पहले, डिवीजन सीखने के पहले एक कंसेप्ट होता है रेसिप्रोकल, इंग्लिश में क्या कहते हैं रेसिप्रोकल, आप सभी ने नाम सुना होगा, और हिंदी में इसको कहते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। तो ये व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवीजन करने के पहले सीखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो किसी भी भिन्न को आप a/b या p/q के रूप में लिखते हो, ये तो आप बोलोगे सर किसी भी भिन्न को हम p/q के रूप में लिखते हैं। जहां पर p को आप अंश कहते हो यानी न्यूमरेटर कहते हो, ठीक है। q को कहोगे कि सर q को हम हर कहते हैं यानी डेनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है, किसी भी भिन्न के अंश और हर को बदलने पर जो भी मिलता है वही आपका व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है, वही रेसिप्रोकल कहलाता है। साधारण भाषा में याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, याद रखना व्युत्क्रम को रफली किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई वर्ड नहीं होता मैथमेटिक्स में, लेकिन याद करने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए आप याद रखना उल्टा कर देना, ठीक है, पलट देना, अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना, तो उल्टा कर दोगे तो व्युत्क्रम मिल जाएगा, बस इतना याद रखना। जैसे मैं लिख रहा हूँ, हेलो सर, हाँ बताइए कुछ बोलना है क्या, नवीन के नाम से बच्चे हो आप, माइक बंद कीजिए, आपका भी माइक ऑन है। ये सारी चीज आपको कई बार बताई जा चुकी है किस तरीके से क्लास मत डिस्टर्ब करो, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी कंप्लेन चली जा सकती है, ठीक है। आप बोलोगे 3/4 लिखा गया सर यहाँ पर, ठीक है। अब 3/4 को आप क्या लिखोगे, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, मतलब नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दो, 4 को ऊपर लिख देंगे, 3 को नीचे लिख देंगे, तो 4/3 क्या हुआ, 3/4 का व्युत्क्रम हुआ। ये समझ में आया कि व्युत्क्रम क्या होता है, बस कुछ नहीं करना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है, अंश को हर, हर को अंश, उल्टा कर देना है, ठीक है। चलिए अगर मैं लिख दूं यहां पर 5/9, 5/9 का व्युत्क्रम कितना होगा, बीच में बराबर का साइन मत लगाना, ये ध्यान दीजिएगा, तीर का निशान लगा, ठीक है, बराबर का निशान मत लगाना, तीर का निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। बताइए 5/9 सर, एक बार फिर से समझाना। हाँ मैं अभी काफी सारा उदाहरण दूंगा, ठीक है। अगर मैं 5/9 लिख रहा हूँ तो इसका रेसिप्रोकल करने के लिए आप क्या करो, जो नंबर नीचे लिखा गया है इसको ऊपर लिख दो, जो नंबर ऊपर लिखा गया है उसको नीचे लिख दो, ये तो बहुत ही आसान है ना, अब समझ में आया कि 5/9 का रेसिप्रोकल जब भी बोला जाए, व्युत्क्रम बोला जाए, तो आप उसको उल्टा कर दोगे। चलिए अगर मैं लिख रहा हूं 2/7, इसको बताओ रेसिप्रोकल करके, 7/2 सर। अच्छा चैट में लिखना है, चैट में लिखिए, सभी लोग माइक ऑन करके बताओगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, है ना, चैट में लिखिए।
2/7 का रेसिप्रोकल 7/2 है ना, बोलेंगे सर नीचे वाला जो नंबर लिखा गया इसको ऊपर लिख दो और ऊपर वाले को नीचे लिख दो, ठीक है, तो बस उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 7, ठीक है, 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? आप बोलोगे 7 को सर लिखा जा सकता है ना 7/1, तो इसका उल्टा कर दो 1/7 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/7, तो जो नीचे में था 1 उसको मैंने ऊपर लिख दिया, जो ऊपर में था 7 उसको मैंने नीचे लिख दिया, तो व्युत्क्रम मिल गया, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मैं 15 लिख दूं तो 15 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 15 का बटा व्युत्क्रम पंद्रह कितना सर होगा? अच्छा अमन, आप सबको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चैट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। देखो एक ही चीज बार बार नहीं बोलनी पड़े, ठीक है। 15 का अगर रेसिप्रोकल बोला जाए तो आप बोलोगे सर 1/15 होगा, क्योंकि 15 के नीचे 1 पहले से था, ठीक है, तो 1 को ऊपर लिख दिया, 15 को नीचे लिख दिया, ठीक है। चलिए अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1/9, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/9 का चैट में लिखना है, 1/9 का रेसिप्रोकल बताइए, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1/9 का अगर रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, व्युत्क्रम पूछा जाए तो आप नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दोगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे लिख दोगे, तो 9/1 कहने का मतलब 9 हुआ, तो 9/1 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल समझ में आ गया अच्छे तरीके से। मुझे बताइए 6 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 6 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो सभी लोग कह रहे हो 1/6। आप बोलोगे सर 6 अगर लिखा गया तो इसका मतलब 6/1 है, नीचे वाला जो हर है हमारा इसको हम ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाला जो नंबर लिखा गया है 6 को नीचे लिख देंगे, तो 1/6 हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसा मत करना कि 6/1 = 1/6, ऐसा मत करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीर का निशान लगा रहा हूँ रेसिप्रोकल के लिए, ठीक है, बराबर नहीं होती है, ठीक है, ठीक है, बराबर का साइन मत लगाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का रेसिप्रोकल बताओ, अगर मैं 1 लिख दूं, ठीक है, नंबर 1, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, तो आप बोलोगे सर 1 को लिखा जा सकता है 1/1, और 1/1 का उल्टा भी करोगे तो नीचे वाले नंबर को लिखेंगे तो ऊपर 1 आएगा, और नीचे वाले ऊपर को नीचे लिखेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो 1/1 का मतलब 1 हुआ। तो 1 का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सर आवाज नहीं आ रही, व्युत्क्रम भी 1 ही होता है, 1 का व्युत्क्रम भी 1 ही होता है, ठीक है। नवीन आवाज जा रही है, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, ठीक है, बाकी सभी को जा रही है। तो आप बोलोगे 1 का व्युत्क्रम भी 1 ही होता है सर, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई कीजिए। ये आपने सीखा कि 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा, 3 को नीचे कर दिया, 4 को ऊपर कर दिया, ठीक है। चलिए अगर मैं बोलूं 5 का व्युत्क्रम बताओ तो आप क्या करोगे, काफी आसान सा है। देखो मैं हिंट दे रहा हूं, आप बोलोगे सर 5 का मतलब ये 5/1 है, ठीक है, 5 कहने का मतलब 5/1 है, तो आप नीचे वाले को ऊपर लिख दो, ऊपर वाले को नीचे लिख दो, ठीक है, देखिए 5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा। अच्छा मैं अभी किसी का कॉपी नहीं देख रहा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें कोई कोई जरूरत नहीं है कॉपी दिखाइए, सीधे जाकर आंसर कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो किसी का आंसर गलत भी नहीं होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है इसका मतलब आप ध्यान से क्लास में सुन नहीं रहे हो बातें। 5/1 का रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है, अभी हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड, आंसर करो आप। अब देखो कम समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आप देख के बता सकते हो। तो अभी भी मुझे दिख रहे 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो आप अगर सिर्फ बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको ट्राई करना है, अगर गलती होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इसको एंड कर रहा हूं।
देखो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन का आप आंसर किया करो पोल सेक्शन में, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि आप क्या करोगे, व्युत्क्रम कहने का मतलब अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए। तो नीचे में जो नंबर एक लिखा गया है उसको मैं ऊपर में लिख दूंगा, ऊपर में जो नंबर पांच लिखा गया है उसको मैं नीचे में लिख दूंगा, ठीक है। तो 1/5 हमारा 5/1 का व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ये हमारा व्युत्क्रम भी है सर, ये हमारा रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो आप कहोगे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्लियर है, ये समझ में आया सभी को, जल्दी से बताइए। अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, ऐसे डाउट होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया रेसिप्रोकल। तो मैंने अभी क्या बोला कि हम लोग सीखेंगे डिवीजन, भाग लगाना, भाग में रेसिप्रोकल का कंसेप्ट था इसलिए रेसिप्रोकल पढ़ लिया। तो इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, भिन्नों को भाग, है ना। पहले हम लोग देखेंगे किसी पूर्ण संख्या को अगर किसी भिन्न से डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी भिन्न को अगर किसी पूर्ण संख्या से डिवाइड करना हो तो किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरे प्रकार में कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला हम लोग सीखते हैं कि अगर पूर्ण संख्या को भाग देना हो किसी भिन्न से तो क्या प्रोसेस है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो पूर्ण संख्या को डिवाइड करना है भिन्न से, पहला वाला क्या है, आप बोलोगे दो जो है सर ये पूर्ण संख्या दिख रहा है ना, ये पूर्ण संख्या है। 1/3 क्या है, ये हमारे पास भिन्न है, बीच में क्या लिखा गया है, भाग का निशान बनाया गया है, इसका मतलब डिवीजन करना है। देखो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स ध्यान दीजिएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आप क्या करोगे किसी भी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग देने के लिए, पूर्ण संख्या को तो एज इट इज सेम लिख दोगे, पहले वाले नंबर को तो सेम लिख दोगे, भिन्न का व्युत्क्रम करेंगे और व्युत्क्रम करके गुना कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको समझते हैं। जैसे अगर बोला जा रहा है कि दो में भाग लगाइए आप 1/3 से, पहला स्टेप में आप क्या करना, आप बोलोगे दो को तो मैं सेम लिखूंगा सर दो, ठीक है, इसको सेम टू सेम लिख देना दो, ठीक है। उसके बाद ओके सर, नवीन के नाम से जो बच्चे हो आप काफी बार क्लास को डिस्टर्ब कर चुके हो, आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, और बाकी बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा, अगर क्लास से डिस्टर्ब करोगे तो आपको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, और आपकी हो सकता है कंप्लेन चली जाए आपके स्कूल में, ठीक है। चलिए तो अभी मुकेश के नाम से जो बच्चे हो आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कीजिए, मुकेश के नाम से जो बच्चे, ठीक है। तो यहां पर कहोगे कि जो भाग था हमारा, ठीक है, देखो इससे क्या होता है पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो भाग को आप गुना में बदल दोगे, तो सेकंड स्टेप में क्या करोगे, ये जो भाग लिखा हुआ है ना इस भाग को बदलकर आप गुना लिख देना, ठीक है, डिवीजन के साइन को बदलकर मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। उसके बाद जो लिख रहा है आपको 1/3 जो बाद वाला दूसरा वाला भिन्न है ना, जो दूसरा वाला नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो सेकेंड वाले को आप उल्टा कर दोगे, मतलब इसका आप व्युत्क्रम करोगे। तो मुझे बताइए 1/3 को व्युत्क्रम करोगे तो कितना मिलेगा, बताइए 1/3 का व्युत्क्रम कितना मिलेगा, चैट में लिख के बताइए। तो आप बोलोगे सर 1/3 का व्युत्क्रम 3/1 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 3/1 मिलेगा, तो आपने यहां पर लिखा 3/1, ठीक है। दो को आप लिख सकते हो 2/1, है ना, किसी भी नंबर के नीचे में एक तो लगा ही सकते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, दो को तीन से गुना कीजिए 2 × 3, और नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कर दीजिए यानी 1 × 1, तो ये मिल जाएगा आपका 6। ये समझ में आया, बताइए ये समझ में आया सर, मुझे समझ में नहीं आया सर। अच्छा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इसको मैं फिर से करवा रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपने बता दिया ना। चलो दो को भाग लगाना है 1/3 से, ठीक है, आप क्या करोगे पहला नंबर जो दो है दो को एज इट इज सेम लिख दोगे, ठीक है, पहले वाले को सेम लिख देना, तो मैं यहां पर लिख दिया दो, इतना क्लियर है, बताइए पहले yes, वाले sir. को सेम लिख दिया yes. इस भाग को बदलना है आपको, इस भाग को बदलकर क्या करोगे, भाग को बदलकर गुना कर देना, ठीक है, आप क्या करोगे भाग को बदलोगे गुना लिख दोगे, तो डिवीजन की जगह पर इंटू कर दोगे, ठीक, ये स्टेप है सेकंड स्टेप। उसके बाद जिस भी संख्या से आप भाग देना ना, ये 1/3,
1/3 को आप रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 को उल्टा कर दोगे तो 3/1 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दिया 3/1। ठीक है, अब आपने लास्ट क्लास में गुना करना सीखा था, तो 2 को 3/1 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा बताइए, 6/1 मिलेगा क्या? अब समझ में आया बताइए। यस सर, आ गया सर। आ गया, ठीक है। तो देखो ये सारी यस चीजें सर। यहाँ पर लिखी भी गई है, किसी भी पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग देने के लिए पूर्ण संख्या को तो वैसे ही लिखते हैं और भिन्न को व्युत्क्रम कर देते हैं। मतलब देखो 2 को 1/3 से भाग देना था, यानी 2 में मैंने गुना किया 3 से, 3/1 से गुना किया, उल्टा करके गुना कर दिया। ठीक है, चलिए। सर हाँ बताइए। इसमें काटना हो तो कुछ कट भी सकता है क्या बिल्कुल सर? कट सकता है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर मैं आपको लिखूँ कि ओके सर। 18 डिवाइडेड बाई, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन से आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे भी पता है, 12/5, 18 को 12/5 से भाग लगाना है। देखो मैं सारे स्टेप बता रहा हूँ आपको, आप बोलोगे सर इस 18 को तो सेम लिख देना, ठीक है, इसको सेम लिख दो, पहले वाले नंबर को सेम लिख दो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 18, ठीक है, 18 लिख दिया। उसके बाद ये जो भाग है, मुझे बताओ उस भाग को बदलकर आप क्या करोगे, भाग को गुना बदलोगे और यहाँ पर गुना बना दोगे। ठीक है, तो भाग गुना को बदलकर यहाँ पर गुना लिख दिया। अब अगला चीज क्या होता है, ये जो 12/5 आपको दिख रहा है, जो सेकंड वाला दिख रहा है भिन्न, तो 12/5 को आप रेसिप्रोकल करोगे यानी उल्टा करोगे, तो 12/5 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, तो 5/12। आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 5/12, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5/12। इतना स्टेप समझ में आया बताइए। चलिए चैट यस सेक्शन का यूज करिए ना, चैट सेक्शन में लिखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, चैट में लिखो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 18/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 18/1 बस इससे लिख रहा हूँ, आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन लिख दोगे तो आपको दिखेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नीचे में एक किसी भी नंबर पे लिख सकते हो। अब आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, कोई भी नंबर? हाँ बताइए कपिल। ये कट रहा है सर, हाँ, 2 से क्या, दो 6 से भी से कट और रहा है, मुझे तीन कट से रहा है, मैं काटूंगा अभी। आप सर, बोलोगे तीन सर 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में 18 भी आता है, तो सीधे सीधे 6 से काट दो, 6 से काटेगा 6 3 18, 6 से कटेगा 2 बार में 6 2 12। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे ऊपर के नंबर को ऊपर से गुना कीजिए, 3 को 5 से गुना कीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे 3 × 5, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कीजिए, तो 1 × 2, तो यहाँ पर मिला 1 × 2, तो गुना करके कितना मिल रहा है, 15/2। ये समझ में आया, चैट में लिख के बताइए यस या नो, समझ में आया? ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है 10/5/9, इसको ट्राई करके बताओ। देखो स्टेप्स में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। आप बोलोगे पहले वाले जो नंबर है ना, इसको सेम लिख देते हैं, पहले वाले को कुछ भी चेंज मत करना, इसको आप रेसिप्रोकल मत करना, पहले वाले को 10 का 10 लिख दिया, सेम लिख दिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप बोलोगे सर भाग को मैं बदल कर गुना कर दूंगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में भाग को, डिवीजन को, साइन को बदल कर आप मल्टीप्लाई लिख देना, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो डिवीजन था, डिवीजन बदल कर गुना हो गया। उसके बाद तीसरे स्टेप में आप बोलोगे सर 5/9, तो दूसरा वाला जो भिन्न है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, उसको रेसिप्रोकल कर देना, 9/5 लिख देना। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो 9/5। तो रूल यही होता है कि जैसे ही आप भाग को बदलकर गुना करते हो, दूसरा वाला जो पीछे वाला भिन्न है उसको आप उल्टा कर देते हो। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हमें दिख रहा है कि 10 को आप लिख सकते हो 10/1, है ना, 10/1। अब यहां से क्या मुझे दिख रहा है, 10/1 × 9/5। ठीक है, मैं सेम लिख दिया। अब 5 से कटेगा ना 10, आप बोलोगे सर 5 एकम 5, 5 2 10, तो यहां पर मुझे दिख रहा है 2 को 9 से गुना करेंगे तो 2 × 9 मिलेगा, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 × 1 मिलेगा, तो यहां से मिल जाएगा 18/1, यानी 18 हमारा आंसर आएगा। बताइए ये क्लियर है सभी का? अच्छा, आंसर आप 18/1 मत लिखना, 18 ही लिखना। ठीक है, आंसर 18 आएगा। ठीक है, नीचे में एक लिखते नहीं है जनरली। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए अगर क्लियर है तो। क्वेश्चन है आपके सामने, 12 को मैं भाग लगा रहा हूं 6/7 से, ट्राई करिएगा इसको, 12/6/7। ठीक है, 12/6/7, ट्राई कीजिए।
रोहित का आंसर आ गया है। आप बोलोगे सर पहले वाली जो पूर्ण संख्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर इसको सेम लिख देंगे, इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ 12। उसके बाद भाग को बदलोगे, यहाँ पर गुना लिख दोगे, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवीजन के साइन को बदलकर आप गुना करते हो। रूल यही होता है कि जैसे ही डिवीजन को आप गुना करते हो, दूसरा वाला जो भिन्न है हमारा बाद में जो लिखा गया है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हो, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/6। ठीक है, तो 6/7 का रेसिप्रोकल करोगे, व्युत्क्रम करोगे, तो 7/6 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि सर 12 को मैं 12/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या? बिल्कुल, आप बोलोगे 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, सर तो यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो ऊपर रही में है। 2 × 7 और नीचे में 1 × 1। ठीक है, तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, थोड़ा ऐसे जगह पर बैठिए जहाँ पर नेट सही चल रहा हो। ठीक है, तो आप बोलोगे 2 × 7 14 आएगा, नीचे में 1 × 1 1 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 14। ठीक है, ये क्लियर है, ये समझ में आया या नहीं? अगर आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो भी पूछ लो, अगर डाउट है तो डी लिख दो, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखो। ठीक है, तो खुद से हो जाएगा आप सभी से। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन बोला जा रहा है 8 को आप भाग लगाइए 4/5 से, 8/4/5। ट्राई करो, थोड़ी देर में पोल दिखेगा आपको, ट्राई करो, पहले कॉपी दिखाइए अपना सॉल्व करके। मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर पहले वाले को 8/1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको सेम लिख देंगे, है ना, इसको सेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो भाग को गुना में बदलोगे, दूसरे वाले नंबर को उल्टा कर दोगे, पलट दोगे। ठीक है, तो मोनू का आंसर आ गया, वेरी गुड मोनू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, पोल में आंसर कीजिएगा। तो रोहित का आंसर सही आ रहा है, ओम प्रकाश के नाम से बच्चों, आपका भी आंसर सही है। अगर क्लास की सारी चीजें सीख गए हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, काफी जल्दी से आंसर कर पाओगे। अगर ये सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब कि आप तो ध्यान से सुन नहीं रहे हो क्लास में, है ना, कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो भी स्टेप्स बताए गए वो स्टेप करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ शुभ मोहित के नाम से बच्चों, आपका भी आंसर सही है, मोहित आप आंसर कर दो पोल में। अमन का भी आंसर सही है, मोहित अमन का आंसर सही है, बैठे सर कोई नहीं रहे। मेरे सेक्शन ही नहीं दिखा रहा। अच्छा, आपका पोल आता ही नहीं है क्या? आप कभी पोल में आंसर नहीं कर पाते हो क्या? यस सर, एक दो बार आ जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अभी पोल में काफी बच्चों ने कर चुका है आंसर, अगर नहीं आ रहा तो आप चैट में लिख देना, जब चैट ऑन करूंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे होना नहीं चाहिए, पोल अभी सभी लोग का दिख रहा होगा। चलिए, अभी भी काफी बच्चों जो आंसर नहीं किए हो, काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। चलिए सभी लोग कीजिए, आपको मैंने क्या बताया, पहले वाले नंबर को सेम लिख दो, भाग को गुना कर दो, दूसरे वाले भिन्न को उल्टा कर दो, यानी रेसिप्रोकल कर दो, उसके बाद सॉल्व करोगे, देखो क्या आ रहा है आपका, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए। चलिए, तो अभी मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। फाइव सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड, 5 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं, देखो तो यहां पर आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन तो यही आपके सामने, 8/4/5। अच्छा, जिसका भी पोल नहीं आ रहा था ना, वो देखो अभी चैट सेक्शन ओपन है, आप चैट में लिख दो जल्दी से, मैं आपका आंसर देख रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से चैट में लिखिए क्या आपका आंसर है, 8 को 4/5 से भाग देना है, क्या होगा?
आप बोलोगे सर इस वाले को मैं सेम लिखूंगा, ठीक है, इस वाले को आप सेम लिख देना, इसमें कोई भी चेंजेस मत करना, तो 8 को मैंने 8 लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप बोलोगे सर भाग को बदल करके गुना लिख देते हैं ना, भाग को बदल करके गुना करेंगे, डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ये डिवीजन जो लिखा हुआ है उसको मैं चेंज करके गुना कर दिया है ना, तो इसको मैं गुना कर दूंगा। उसके बाद जो दूसरा वाला भिन्न है, जो यहाँ 4/5 लिखा गया है, इसको आप व्युत्क्रम करते हो, इसका आप उल्टा करते हो, रेसिप्रोकल लेते हो, है ना, इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी व्युत्क्रम लेंगे। तो आप बोलोगे 4/5 को मैं लिख सकता हूँ सर 5/4 रेसिप्रोकल करने के बाद, तो इसको लिखा जाएगा 5/4। रूल यही है कि जब भी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलते हैं दूसरे वाले को उल्टा कर देते हैं। यहां से क्या दिख रहा है आपका, ये 8/1 है, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 2 8 है ना। ऊपर में दिख रहा है मुझे 2 × 5, नीचे में दिख रहा है 1 × 1, तो यहां से आपका आया 10/1, यानी आंसर 10 है। ये समझ में आया, बताइए ये क्लियर है, जिसका भी आंसर गलत हो गया था बताइए। ऐसे मैक्सिमम आंसर सही थे, कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, ऐसे गलत नहीं होना चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी आंसर 2/5 था, 1/10 था, 32/5 था, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो कभी भी अगर पूर्ण संख्या को एक भिन्न से डिवाइड करना हो, अब कर लोगे आप लोग, पूर्ण संख्या को सेम रखेंगे, भिन्न को उल्टा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्वेश्चन क्या है, अगला जो हमें पढ़ना है, किसी भिन्न को डिवाइड करना है पूर्ण संख्या से, भिन्न को डिवाइड करेंगे पूर्ण संख्या से। 5/6 क्या है, एक भिन्न है, 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो भिन्न को डिवाइड किया जा रहा है पूर्ण संख्या से। यहां पर आप बोलोगे सर जो भी आगे लिखा रहता है, जो पहले लिखा हुआ है ना, पहले वाले को सेम रखना, आप पहले वाले को कुछ भी चेंज मत करना। जैसे यहां पर लिखा गया है 5/6/5, यहां पर आप 5/6 को तो ऐसे ही रख देना, इसको सेम लिखना, ठीक है, आगे वाले को आप सेम लिखोगे। तो आप बोलोगे सर 5/6 को 5/6 लिखा, इस भाग को आप बदल कर क्या करोगे, आपको पता है कि इस भाग को बदल करके मैं गुना कर दूंगा, ठीक है, डिवीजन को बदल करके गुना करते हैं, डिवीजन को बदल करके मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे, तो इसको यहां पर मल्टीप्लीकेशन लिख दो। अब मुझे बताओ यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक पूर्ण संख्या 5 दिख रहा है, 5 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा बताइए जल्दी से, 5 का रेसिप्रोकल करोगे 1/5 मिलेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो सर, अगर यहाँ पर 5 लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 5/1 है, तो 5/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/5 मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यही है कि जो सेकंड में लिखा रहता है, जो बाद में लिखा रहता है, उसको हम लोग उल्टा करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करते हैं, पहले वाले को कुछ नहीं करते। पहले वाले को देखो 5/6 है, तो 5/6 ही लिख दिया, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, हमें कुछ दिख रहा है कटते हुए, तो आप बोलोगे सर 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1/6 हमारा आंसर। ये समझ में आया कि 1/6 हमारा आंसर होगा, इतना क्लियर है बताइए, नहीं? हाँ कपिल बताइए क्या डाउट है आपका, कपिल आप माइक, मुझे को पूरा ही समझ में नहीं आया, अच्छा ये पूरा ही नहीं समझ में आया, मेरे को भी नहीं आया सर, चलो आप बताओ, चलो आप मेरे माइक ऑन करो, ठीक है सर, सभी लोग माइक बंद कीजिए, कपिल आप मुझे बताओ माइक ऑन रखना आप। देखो पहला वाला जो भिन्न है उसको आप सेम लिखोगे, तो 5/6 को सेम लिखने का मतलब क्या हुआ, 5/6 ही लिख दोगे ना, इतना क्लियर है। सर, यस सर, भाग को बदल कर मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी आप करते हो भाग को बदल दोगे और भाग को बदल कर गुना लिख दो, ठीक है, तो डिवीजन को बदल कर मैं यहाँ पर गुना लिख दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर, अब मुझे बताओ दूसरा नंबर क्या दिख रहा है, भाग के बाद आपको क्या दिख रहा है, 5 सर, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, 1/5, तो वही तो कह रहा हूं ना कि आपको क्या करना होता है, जब भी भाग को आप गुना में बदलते हो दूसरे वाले नंबर को उल्टा कर देते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो, तो 5 की जगह पर मैं 1/5 लिखूंगा, इतना क्लियर हुआ यहां तक। यस सर, उसके बाद 5 से 5 को कैंसिल कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है बताइए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप गुना में डाउट है आपका, ठीक है, गुना सिखाया यस था, सर, गुना में आपको पता है कि ऊपर नीचे आप अंश से हर को काट सकते हो, तो 5 से 5 कटा। अब ऊपर में देखो 1 और 1 है, तो 1 × 1 लिखेंगे, नीचे में 6 × 1 लिखेंगे, इतना समझ में आ रहा है, 1/6 बताइए।
आ गया सर समझ में। चलो ठीक है, तो अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी समझ में आएगी तो अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज की, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अगर मैं क्वेश्चन दूँ आपको, क्या कह रहे थे, एक फ्रैक्शन को एक पूर्ण संख्या से डिवाइड करना, मतलब 15/8 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 15/8, इसको भाग देना है आपको 45 से। चलो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर 15/8 को जो आगे लिखा गया ना, इस वाले को आप सेम लिखना, पहले वाले को आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, तो इसको आप सेम लिख दोगे, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पर 15/8, ठीक। उसके बाद आप बोलोगे सर सेकंड स्टेप में भाग को बदल कर गुना कर देते हैं, ठीक है, ये सारे स्टेप बस याद रखिए। तो इस डिवीजन को आप बदल कर क्या लिखोगे, डिवीजन को बदल कर गुना कर दो। 45 को आप क्या करोगे, 45 को आप लिख सकते हो ना 1/45 रेसिप्रोकल। तो जैसे ही आप भाग को गुना में बदलते हो, सेकंड में जो लिखा गया है बाद वाले को आप उल्टा कर देते हो, है ना, इसका व्युत्क्रम लेते हैं, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम लोगे तो 45/1 का व्युत्क्रम क्या आएगा, 1/45 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कर दो आप, है ना, ये सारी चीजें को सोल्व करो, बस आपको भाग के जगह पर गुना देखना है, इस वाले को आप भूल जाओ, इस वाले को आप ट्राई करो। आप बोलोगे 15 से कटेगा सर 45, 15 एकम 15, 15 3 45, ठीक है। तो ऊपर में मुझे दिख रहा है 1:1, नीचे में दिख रहा है 8:3, तो ये मिलेगा 1/24। ये समझ में आया, बताइए। यस सर। 1/45 नहीं, 1/24, 45 से यस कटेगा सर। ना 15 से 3 बार में, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना समझ में आ जाएगी। अगर मान लो पहला क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया, फिर से क्वेश्चन कीजिए अगला। अगर मैं कह रहा हूँ 100/7, सॉरी गुना नहीं है, भाग है, ठीक है, यहाँ पर डिवीजन लिख रहा हूँ, इसको भाग देना है आपको 300 से, इसको ट्राई करो। आप बोलोगे सर पहले वाले को, मैं बार बार कह रहा हूँ पहले वाले को आप कुछ भी मत करना, इसको सेम टू सेम लिख दोगे जैसे लिखा गया है, तो 100/7 लिख दिया। उसके बाद आप भाग को बदल कर, सेकंड स्टेप में भाग को बदल कर गुना करोगे, बार बार मैं लिख रहा हूँ, डिवीजन को आप बदल करके गुना करोगे सर, मेरा नेट डिवीजन, ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर क्लास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और नेट बचा के रखा करो। तो डिवीजन को बदल कर गुना कर देंगे, ठीक है, डिवीजन को बदल कर जैसे ही गुना करते हो तो 300 को आप रेसिप्रोकल करोगे, इस वाले को आप रेसिप्रोकल करते हो, तो 300 क्या है, 300/1 है, तो इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/300 आएगा। अब आपको पता है यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, 0 से 0 कटता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। अब ऊपर में मुझे दिख रहा है 1:1, नीचे में दिख रहा है 7:3, यानी आंसर आ जाएगा 1/21। इतना क्लियर है सर, मेरा नेट खत्म हो गया, ठीक है, मैं कल वीडियो देख लूंगा। ठीक है, तो आप यही कर सकते हो, नेट अगर खत्म हो गया तो आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन ट्राई किया करो कि नेट बचा कर रखो, ठीक है। यस सर। इतना क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने, 15 को भाग देना है आपको 5/8 से, इसको करके बताइए। 15 को भाग देना है 5/8 से, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरे वाले को पलटना, हमेशा स्टेप सेम रखिएगा ध्यान, चाहे पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग दिया जाए या भेद को पूर्ण संख्या से भाग देना हो, रेसिप्रोकल हमेशा सेकंड वाले को करेंगे, इस वाले को आप रेसिप्रोकल करते हो, ठीक है। तो आप 15 को 15/1 ऐसे ही लिख दोगे, 15/1, इसको तो सेम लिखा, भाग को बदल कर गुना करोगे और 5/8 को 8/5 लिखोगे, तो रेसिप्रोकल हमेशा सेकंड वाले को करते हैं जो भाग बाद में दिया जाए। तो 5 से काटोगे या 3 बार में कटेगा, यहां से मिलेगा हमारा 3 × 8/1, तो आंसर आ रहा है 24। इतना क्लियर है, बताइए। चलिए तो क्वेश्चन कीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर अब क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 10/11 को भाग देना है आपको 20 से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए सभी लोग, ठीक है। सॉल्यूशन दिखा सकते हो अपना कैमरा ऑन करके, 10/11 को भाग देना है 20 से, स्टेप्स मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ। आप बोलोगे सर पहले वाले को तो सेम लिख देंगे, है ना, ये जो लिखा गया है इसको तो आप सेम उतार दोगे, है ना, 10/11, भाग को बदलकर गुना कर दोगे,
ये 20 है तो ये 20/1 लिख सकते हो, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे और आगे ट्राई करो आप। तो अभी पोल दिख जाएगा, पोल में जाकर आंसर कीजिए। रोहित के नाम से जो बच्चों आपका आंसर सही है आंसर दिखा देना, ताकि आपका आंसर गलत ना हो आंसर करने के पहले। ठीक है, तो मोहित का आंसर आ रहा है, ठीक है फाइनल आंसर दिखाइए। हाँ मोहित आपका आंसर सही है। देखो काफी सारे पोल में आंसर कर रहे हो, लेकिन जो आंसर दिखा रहे हो उनका आंसर सही है। जो बच्चे बिना दिखाए हुए आंसर कर रहे हो, आप हड़बड़ी में कुछ भी क्लिक कर रहे हो, आपका आंसर गलत ही होगा। ठीक है, आप आंसर करने के पहले दिखा दो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, हाँ ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चों आपका आंसर सही है, सर मुझे पता है लेकिन ये पोल सेक्शन नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं हाँ बता आपका दूं? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपका नाम मैंने नोट कर लिया है, आप चैट में आंसर कर देना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है मोनू आपका आंसर सही है। अमन आपने क्या लिखा है, आपने थोड़ी सी गलती कर दी है। देखो ऊपर में क्या आएगा और नीचे में क्या आएगा। सर मैंने एक नहीं लगाया सर, 22 ही कर दिया सर से दे। हाँ आपने पोल में आंसर कर दिया क्या? नो सर। ठीक है आप पोल में आंसर कर दो, अब तो आपको पता चल गया ना। हड़बड़ी नहीं किया करो, ठीक है आराम से आंसर करना है, जितना समय चाहिए मैं पूरा समय आपको देता हूँ। चलिए बाकी बच्चे कीजिए आंसर। देखो जब भी मैं पोल देता हूँ आपको आंसर जरूर करना है, बैठे कोई नहीं रहेगा। ठीक है, आप सिर्फ बैठे रहोगे तो फिर आप सही नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे बेसिकली। कुछ गलती होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है ट्राई करो कम से कम, लास्ट 15 सेकंड है, लास्ट 15 सेकंड है। 10/11 गुना में क्या लिखेंगे? टेन सेकंड और लास्ट 10 सेकंड। फाइव सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और जो बच्चे भी बोल रहे थे ना कि पोल में नहीं आंसर कर पा रहे हो, अभी आप चैट में लिख दो। देखो चैट खुला हुआ है, ठीक है आप यहाँ पर बोलोगे क्वेश्चन क्या है सर, 10/11 में 20 से भाग लगाना है। ठीक है 10/11 में 20 से भाग लगाना है। आप मुझे बताओ 10/11 को तो आप सेम लिखोगे ना, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस वाले नंबर को आगे वाले नंबर को आप सेम लिखते हो, इसको तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसको मैं 10/11 को 10/11 ही लिख दिया, भाग को बदलकर आप गुना कर देते हो, भाग के निशान को आप बदलकर यहाँ पर गुना लिख दोगे। अब दूसरा वाला जो नंबर लिखा गया है 20, इसका व्युत्क्रम लेते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये 20/1 है, तो इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/20 बन जाएगा, है ना, ये 1/20 बनेगा। अब यहाँ से आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिखेगा, आप बोलोगे सर हमारे पास ऊपर में भी एक जीरो दिख रहा है, नीचे भी एक जीरो दिख रहा है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट क्लास में बताया था। अब ऊपर में मुझे दिख रहा है 1 × 1, तो यहाँ पर लिखोगे 1 × 1, नीचे में लिखोगे 11 × 2, तो नीचे में लिखोगे 11 × 2, आ रहा है 1/22। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये क्लियर हुआ? तो बताइए 2/11 कैसे आंसर आ रहे थे, ये सारे तो गलत है ना, बताइए इतना क्लियर है, बताइए कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक है चलिए, अगर डाउट रहे तो पूछा करो, क्योंकि और क्वेश्चन दे दूंगा अगर कोई भी डाउट रहे तो, समझ में आ जाए तो भी वाई लिखा करो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगला हमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देना, सेम वही चीज है। अगर हमारे पास एक विषम सॉरी मिश्र भिन्न है, यानी मिक्स फ्रैक्शन है, तो उसको आप विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लोगे, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। आप बोलोगे 4 पूर्णांक 2/3 को अगर भाग देना है सर 7 से, तो बिल्कुल सेम तरीका है, 4 पूर्णांक 2/3 को आप विषम भिन्न में कन्वर्ट करके बताइए। ये बताओ आप 4 पूर्णांक 2/3 को आप अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको लिख सकते हैं क्या 14/3, बताइए। ये समझ में आया? सर चार को तीन से सर गुना किया, 4 × 3 = 12,
और 2 को जोड़ दिया तो ये 14/3 आया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बता देना। तो इसको तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास आया 14/3, भाग देना है 7 से, ठीक है, डिवाइड बाई 7। उसके बाद जो अभी अभी मैंने सिखाया वही चीज कर दो आप। इस वाले को सेम रखना, इसको बदलना मत। तो आप लिखोगे सर इसको 14/3 का 14/3 लिख दिया, भाग के साइन को बदल कर गुना कर देंगे, ठीक है, और 7/1 है ये तो ये 1/7 हो जाएगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल हमेशा व्युत्क्रम सेकंड वाले का कर रहे हैं, दूसरे वाले का आप देखो उल्टा करते हैं हम लोग बाद वाले को। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 7 से कटेगा 14, हमारा कितने बार में 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ से मिल रहा है 2 into 1 और नीचे मिल रहा है 3 into 1, तो आ रहा है 2/3। इतना क्लियर है, समझ में आया? 2/3 होगा। नो सर। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पोल में पूछूंगा, ठीक है? नो सर, समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये जो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है 8 पूर्णांक 2/5, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड करना है आपको 7 से। अच्छा शुभम आप बोल रहे थे क्या समझ में नहीं आया, बताइए। जिसको नहीं समझ में आया माइक ऑन करिए जल्दी से, मैं आपसे ही सॉल्व करवा दूंगा। यस। चलो मुझे बताओ आप, 8 पूर्णांक 2/5 है, ये मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप विषम भिन्न में कन्वर्ट करके कितना लिखोगे? देखो पुरानी चीजें भूल बयालीस जाओगे तो बटे फिर पांच 42/5, ठीक है, 8 5 40 और 2, तो ये आ जाएगा 42/5, ठीक है। यहां यस पर मैं सर। भाग लगा दिया, यहां पर 7 लिख दिया। पहले स्टेप में क्या किया? पहले स्टेप में बस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया, ठीक। अब मुझे बताओ इसको आप लिख सकते हो ना 42/5, पहले वाले को तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको सेम लिखना, तो इसको 42/5 का 42/5 लिखूंगा। अब मुझे बताओ शुभम आप क्या करोगे इसके बाद, सर बताइए जल्दी बाकी से। जगह गुणा लिख दूंगी। भाग के जगह पर गुना लिख देंगे। अब मुझे बताओ इस 7 को 7/1 लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब यहां पर मैं क्या लिखूं बताइए, बताइए जल्दी से। सर भाग देखो को सर, आपने गुना बदल दिया, तो जब भी करते हो तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, बार बार तो बता रहा हूं ना, इसको आप उल्टा कर दो, ठीक है, 1/7। तो 1/7। तो अब बताइए यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। अब इसके बाद बताइए आपको काटने आता है कि 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 6 42, 7 6 42। यस सर। ठीक है। अब ऊपर में क्या दिख रहा है, 6 into 1, नीचे में दिख रहा है 5 into 1, तो यहां से आंसर आ रहा है 6/5। ये बताइए अब समझ में आ गया शुभम? ठीक यस सर आ गया जी। है, तो इजी है ना, काफी आसान सा है, बस स्टेप्स यस आपको सर। याद रखने हैं। देखो मैं क्या क्या लिखा हूँ यहाँ पर, देखो ये स्टेप्स है सारे, इस पेज की तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। कभी भी अगर मिश्र भिन्न को पूर्ण संख्या से डिवाइड करना हो तो पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कर देना। पहला स्टेप आपका कन्वर्जन होगा, गुना करने के पहले, भाग देने के पहले, ठीक है। तो 4 पूर्णांक 2/3 को आपने बदला तो आपका 14/3 आ जाएगा। अब 14/3 में अगर 7 से भाग दे रहे हो तो आप क्या करोगे, 14/3 × 1/7, है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे 7 का, तो आंसर 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो आप मैं पोल में क्वेश्चन दे दो सर। पोल में दे दूं क्वेश्चन, चलिए यस ट्राई सर। कीजिए पोल में। चलिए क्वेश्चन है आपके यस सर। सामने, ठीक है, 8 पूर्णांक 4/5, ठीक है, क्वेश्चन शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, 8 पूर्णांक 4/5 / 11, यही है, ट्राई करो इसे, थोड़ी देर में पोल दिखेगा, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करिएगा। 8 पूर्णांक 4/5 को 11 से भाग देना है, देखो कुछ स्टेप्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले आप क्या करोगे मिश्र भिन्न को, सर अच्छा एक सेकंड अभी मैं कॉपी नहीं देख रहा शुभम सॉरी, आप बोलोगे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न में पहले कन्वर्ट करिए, ठीक है, उसके बाद भाग को गुना के रूप में बदलिए, ठीक है, दूसरे वाले नंबर को उल्टा कीजिए, हमेशा रेसिप्रोकल इस वाले का करते हैं जो बाद में लिखा गया है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे आप, ठीक है, पहले वाला का रेसिप्रोकल कभी नहीं करते। सर, पोल सेक्शन नहीं आया।
आपका नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप चैट में लिख देना। एक बार आप क्या करना, गूगल मीट को अपडेट कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। ओके सर। रोहित का आंसर सही है, ठीक है, आंसर कीजिए। जिसका आ रहा है पोल सेक्शन वो आंसर कर दे, ठीक है। माइक सॉरी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो अपना आंसर। तो अभी काफी बच्चे मुझे दिखा रहे हैं आंसर। अमन का आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, अमन, मोनू, शुभम, मोहित एंड, ठीक है, जांगरा के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, आप सभी का आंसर सही दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है। सभी लोग पोल में जाकर आंसर कर दें, ठीक है। ओम ठीक प्रकाश, है आप, सर। हाँ सही है ओम प्रकाश, आपका आंसर तो मैं चेक कर चुका हूँ, बिल्कुल सही है, जाकर आंसर कर दो, ठीक है। चलिए सभी लोग सॉल्व कीजिए, बस बैठे मत रहो, आप कुछ भी कुछ ट्राई करते रहो, ठीक है, जब तक आंसर नहीं आता है तब तक ट्राई करते रहो। तीन बच्चे और, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, सर माइक को इसके चेक। बाद एक और दे लेना सवाल। अच्छा, इसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से दे दूंगा, पोल में दे दूंगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। 10 सेकंड और, जल्दी से आंसर कीजिए, मैक्सिमम सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, चलिए। और आज क्लास के बाद सभी लोग रुक जाओगे, ठीक है, कुछ देर रुक जाना, लेफ्ट मत करना, ठीक है। चलिए अब देखो, यहां समझिएगा क्वेश्चन क्या था आपके सामने, 8 पूर्णांक, अच्छा, और हाँ ठीक है, आपने लिख दिया, वेरी गुड। तो जिसका भी पोल नहीं आता ना, चैट सेक्शन में लिख दिया करो, और गूगल मीट एक बार अपडेट कर लेना, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11। चलिए, कोई कौन बच्चा माइक ऑन करके मुझे पूरा स्टेप बताएगा, एनीवन, कोई भी माइक ऑन करके बताइए। हाँ सर मैं शुभम, चलिए बताइए शुभम, बताओ आप, पहला स्टेप पे आपने क्या सर किया। सर पहले स्टेम में तो सर 8 या सर इसका वे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे वेरी गुड, आप पहले। बोलोगे सर कुछ भी नहीं किया, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 8 को 5 से गुना करोगे, 8 5 40, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 44, मतलब 44/5, और बाकी सारे चीजों को मैं सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। पहला स्टेप यही था, मिश्र भिन्न को सर विषम भिन्न में कन्वर्ट कर। उसके बाद आपने क्या किया शुभम, बाकी बोलेंगे, जिला सर गुणा करके फोर्टी हाँ पहले पहले बोलोगे सर, जो पहले लिखा गया ना आगे वाला नंबर, इसको तो सेम लिख देंगे, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं फोर करते, ठीक है, इसको उल्टा मत कर देना, उसको उल्टा करोगे तो गलत हो जाएगा, इस नो भाग सर को बदलकर गुना कर दोगे, है ना। यस सर उसके बाद यहां पर क्या लिखोगे, 11 लिखोगे क्या, नो सर क्या सर इसका लिखोगे, सर इसका उल्टा कर दूंगी तो आप सर इसका बोलोगे सर उल्टा 11 है तो 11/1 है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी भाग को आप गुना में बदलते हो तो भाग में गुना को बदलते के साथ आप दूसरे वाले नंबर को रेसिप्रोकल करते हो, व्युत्क्रम लेते हो, तो 11/1 बन जाएगा, 1/11, ठीक है। यहाँ के बाद क्या मिलेगा आपको, साफ दिख रहा है 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, सर 11 छक्के 44, 11 से 44 कटेगा है ना। अब ऊपर में दिख रहा है 4 × 1, नीचे में क्या दिख रहा है, 5 × 1, यस सर तो अब आंसर आ जाएगा आपका 4/5, है ना। तो मैक्सिमम सभी के आंसर ऑप्शन सी ही थे, सिर्फ एक बच्चे का आंसर कुछ गलत था, ठीक है, तो जिनका भी गलत था समझ में आ गया होगा, क्लियर है, बताइए ये समझ में आ गया, सभी कुछ समझ में आ गया, यस मोबाइल लिखिए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है, होमवर्क नोट कर लेना।